माचना पुनर्जीवन अभियान। 3 घंटे में सैकड़ों लोगों के श्रमदान से बना माचना में 1500 बोरियों का बंधान। बैतूल की जीवनदायिनी माँ माचना नदी का पानी रोकने के लिए बुधवार को सैकड़ों लोगों ने फिल्टर प्लांट स्थित माचना घाट पर लगातार 3 घंटे श्रमदान कर 1500 बोरियों से बांध बनाकर एनिकेट से बहने वाले जल का संरक्षण किया। प्रातः 8 से 11 बजे तक चले इस श्रमदान में जनप्रतिनिधियों सहित नगर की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय संस्थाओं के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से श्रमदान किया। श्रमदानियों ने नदी की धार में पहले 2 पंक्ति में बोरियां रखी तथा बोरियों के बीच काली मिट्टी भरकर बांध बनाया। इस अभियान में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि, गायत्री परिवार, ग्रीन टाइगर्स, सत्य साई सेवा समिति, भारत भारती शिक्षा संस्थान, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, पूर्व सैनिक परिषद, साहू समाज समिति, स्माइल ग्रुप, ओम साई विजन समिति, बैतूल नगर पालिका आदि संस्थाओं के कार्यकर्ताओं सहित पार्षदगण व अन्य जनप्रतिनिधियों व माचना पुनर्जीवन अभियान के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान में सहभागिता की। माचना नदी हमारे बैतूल की जीवनदायिनी माँ माचना के इस प्रवाह पर बैतूल नगर के और लगभग पूरे 3-3 घंटे के श्रमदान से और यह बोरी बंधान माचना एनिकेट के आगे जो पानी व्यर्थ बह रहा था उसको रोकने के लिए बनाया है। हम सब जानते हैं कि अपने बैतूल का जो जीवन है इसी नदी से चलता है, चाहे वो अन्न उगाने का हो या पानी पीने का हो या अन्य प्रकार के कार्य हो, माचना के द्वारा ही हमको जीवन मिलता है। और जिससे हमको जीवन मिलता है उसको जीवन देना यह हम सबका काम है। माँ हमको जन्म देती है, हम जीवन भर माँ की सेवा करते हैं। नदी को भी हमने माँ कहा है और इसलिए माँ की सेवा करना, उसको जीवन देना, अगर उसको कोई दुख तकलीफ है, बीमार है तो ठीक करना, ये पुत्र और पुत्रियों का काम है। और इस दृष्टि से माचना पुनर्जीवन अभियान, पुनर्जीवन का अर्थ ये है कि माचना नदी कई स्थानों पर और सूख जाती है और इसलिए उसका पुनर्जीवन करने का एक अभियान बैतूल में प्रारंभ हुआ है। प्रशासन के और अनेक प्रकार के हमारे जो संगठन है, गायत्री परिवार है, पर्यावरण के विभिन्न संगठन काम करने वाले हमारे ग्रीन टाइगर से है और भी गांव गांव में जो संगठन बने हैं उन सब ने मिलकर के इस पुनर्जीवन अभियान में सहयोग किया है। और इस बैतूल तक की जो माचना आती है आमला से लेकर के बैतूल तक, ये लगभग 70-80 किलोमीटर के इस एरिया में हमने अभी 48 पंचायतों में काम किया है, गांव गांव में जाकर के और चौपाल सभाएं लेकर के और लोगों को जल के प्रति, नदी के प्रति जागृत किया है। और हर गांव में जल संरचना कहां कहां बनना चाहिए ये गांव के लोगों से पूछ करके और वो स्थान चिन्हित किए हैं। अभी तक 200 से अधिक नई जल संरचनाएं और बनाने का इस पर और प्रस्ताव पारित हो गया है। साथ ही पुरानी जो जल संरचनाएं हैं उनके भी साफ और स्वच्छ और गहरीकरण करने की भी योजना बनी है। माचना भैया की जय।